नमस्कार, वीकेबी पंचायत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं मीनाक्षी हिडा। देश में हर माँ बाप की दुविधा का विश्लेषण करना अब बेहद ज़रूरी हो गया है। दुविधा ये कि कोरोना के केसेस जो हैं अब फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इस वक्त स्कूल खोलने का फरमान सरकार ने जारी कर दिया है। अब ऐसे वक्त में जहां कोरोना के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं और तीसरी वेव का आने का कहीं ना कहीं बहुत निश्चित इसे माना जा रहा है और तीसरी वेव कहा जाता है कि छोटे बच्चों के लिए ये काफ़ी डेंजरस है, ऐसे वक्त में क्या बच्चों को बुलाना ज़रूरी है? क्या ये डिसीजन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं लिया गया है? क्योंकि बड़े बच्चों को कुछ महीने पहले स्कूल बुला लिया गया, अब छोटे बच्चों की बारी, अब छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। अब माँ बाप की इसमें बहुत बड़ी दुविधा है क्योंकि कहीं ना कहीं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए क्या वो मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, ऐसी कई बातों पर और कहीं ना कहीं फीस को लेकर भी कुछ महीने पहले काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी डिस्कशंस हुए क्योंकि कोरोना काल में स्कूल जो थे वो पूरी तरह से बंद थे, ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही थी, इसमें स्कूल की फीस में कोई डिडक्शन नहीं था। ऐसे कई मुद्दों पर जो पेरेंट्स एसोसिएशन है वो काफ़ी चर्चा कर रहा है और अभी भी पेरेंट्स जो हैं उनके क्या रिएक्शंस हैं, उनकी क्या मेंटालिटी है, उनकी क्या डिसीजंस हैं, उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं पेरेंट्स संगठन जिसमें अमित सर, अनघा मैम और अजय सर हैं। तो सर, मैं पूछना चाहूँगी कि अभी जो डिसीजन आया है सरकार का कि स्कूल खोल दिए गए हैं, अब इस पर आपकी क्या टेक है? देखिए मैडम, स्कूल तो खोले हैं, जब स्कूल खोले गए थे तब कंडीशंस थोड़ी अच्छी थी, मगर अभी कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने देखा है कि बहुत से जगह पर अभी कोरोना वायरस के भी पेशेंट मिल रहे हैं और ओमिक्रॉन के भी कुछ पेशेंट्स मिल रहे हैं। दिल्ली में स्कूल और कॉलेजेस दोनों बंद कर दिए हैं। ऐसे वक्त पे महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र सरकार ने जो डिसीजन लिया कि स्कूल चालू करके अभी कॉलेजेस भी अभी चालू हो रहे हैं, यानी इतने दिन बंद थे अभी चालू हो रहे हैं, मगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस और ये ओमिक्रॉन का जो वायरस है वो दिन ब दिन पेशेंट उसके ज़्यादा मिल रहे हैं, तो हमें डर लग रहा है क्योंकि जो बच्चे 12-15 साल के उम्र के हैं या फर्स्ट से लेकर के 8 स्टैंडर्ड तक के बच्चे हैं, उनको स्कूल भेजें कि नहीं भेजें, ये पेरेंट की वरी अभी बहुत चल रही है। मगर अभी फ़िलहाल देखा गया है कि बच्चों का भी वैक्सीनेशन जो होने जा रहा है वो 15 साल के ऊपर के बच्चों का, 15 से 18 साल के ऊपर का। मगर मैंने एक अभी अभी आज ही एक ट्वीट पढ़ा जो नवेदिता वराड पांडे ने लिखा हुआ है कि वो जब अपने बच्चों को वैक्सीनेशन देने के लिए गई तो उनको ऐसा पाया गया कि जो वैक्सीनेशन वो बच्चों को लगाए जा रहे हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो ऐसे वैक्सीनेशन अगर बच्चों को लगाए जा रहे हैं तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि हम वैक्सीनेशन बच्चों को लगवाए कि नहीं लगवाए। तो ये सारी चीज़ें को सेटराइट करना गवर्नमेंट के लेवल पे ज़रूरी है क्योंकि वी आर टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट व्हिच इज़ नॉट गुड, इजंट इट। तो ये सारी चीज़ें जब एड्रेस होगी तभी स्कूल खोलना चाहिए, अदरवाइज अभी तो मेरे ख्याल से स्कूल खोलने में कोई समझदारी नहीं लगती है मुझे। अमित होशीन सर मेरे साथ हैं जिन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई फीस डिडक्शन को लेकर, और फीस का जो मुद्दा था एक पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा था क्योंकि कोविड काल में लॉकडाउन था और लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन के टाइम पर जो पेरेंट्स थे उनके लिए इतनी फ़ीस को भर पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन अगर हम अभी ओमिक्रॉन की बात करें, क्योंकि कोविड टाइम से बच्चे स्कूल घर पे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, ऑनलाइन पढ़ रहे थे एंड दे वर क्वाइट कंफर्टेबल, मुझे लगता है हाँ उसके कई डिसएडवांटेजेस भी थे मानते हैं, लेकिन अभी जो समय आया है थर्ड वेव का और जो नया वेरियंट आया है ओमिक्रॉन वो बच्चों के लिए काफ़ी घातक है, इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या जल्दबाजी नहीं हो गई? आपने बहुत सही कहा कि ये बच्चों के लिए बहुत घातक है। अभी आप कल की, परसों की और उसके पहले की अगर मुंबई की न्यूज़ देखेंगे तो 6,000, 8,000, 9,000 ऐसे मेनी फोल्ड्स में वहाँ पे नंबर्स बढ़ रहे हैं। पुणे में भी कर्फ्यू की बात चल रही है, यहाँ पे भी 31 के चलते रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगाया गया था। तो जब केसेज बढ़ रहे हैं, जैसा अजय सर ने कहा कि जब केसेज बढ़ रहे हैं तो स्कूल चालू करने में क्या मतलब है या इसमें कितना यानी कितना वैलिड पॉइंट है ये आज पेरेंट को नहीं मालूम। और अगर आप देखेंगे तो 8वीं 9वीं और 10वीं के जो बच्चे हैं
इनकी अभी एग्जाम्स फरवरी से होने वाली है, तो फिर एक महीने या डेढ़ महीने जब बचता है तो वो टाइम पे बच्चों को स्कूल में बुलाने में क्या मतलब है मुझे नहीं मालूम। यानी इसके पीछे स्कूल वालों की या सरकार की क्या सोच है, क्या विचार है, या इनका क्या साधगाठ है मुझे नहीं मालूम। मैं ये एक और कहना चाहूँगा कि स्कूल तो इन्होंने चालू कर दिए, लेकिन स्कूल के पीछे, स्कूल से जुड़े हुए भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम है। अभी मेरी खुद की बच्ची है, उसका स्कूल चालू हुआ, 8th स्टैंडर्ड में है। हफ्ते में 3 दिन स्कूल वालों ने प्रिकॉशंस काफ़ी लिए हैं, बट स्टिल बच्चे हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते। तो हफ्ते में 3 दिन उनको स्कूल में बुलाया गया अल्टरनेट डे। अब इसमें यानी फीस का मुद्दा तो पहले ही था, लेकिन अभी नया इशू ऐसा है कि टैक्सी बसेज, यानी पेरेंट्स को अभी अपना काम छोड़ के बच्चों को पिकअप ड्रॉप करने जाना पड़ता है, तो टैक्सी वालों ने अभी अल्टरनेट डे स्कूल छोड़ने के, मैं 3,000 रुपये महीने के दे रहा हूँ, लेकिन उसमें भी वो बंदे ने टैक्सी बंद कर दी, कहता है कि मुझे ये नहीं पूरा रहा है करके। अगर अल्टरनेट डे यानी अगर आप पकड़ेंगे तो हफ्ते में 3 दिन यानी 3 × 12 यानी अगर 12-15 दिन के लिए अगर मेरे को 3,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, और कोरोना की वजह से ऑलरेडी फाइनेंशियल हालत लोगों की ख़राब है, तो पेरेंट लोग फिर से ये नया बोझ कहाँ से सहन करेंगे। प्लस फीस का मुद्दा तो पेंडिंग है ही, यानी ज़्यादा फीस ले रहे थे या यानी कोरोना के टाइम पे पूरी फीस मांग रहे थे, वो तो मुद्दा है ही, लेकिन हम गए 3 साल से इलीगल फीस के लिए लड़ रहे हैं, उस पर भी अभी तक के हमारे गवर्नमेंट ने स्कूल्स को कोई डायरेक्शंस दिए नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तो अभी तक एब्सोल्युटली कुछ भी किया नहीं है। काफ़ी हंगामा हो चुका है, काफ़ी केसेस कंप्लेंट्स हो चुके हैं, लेकिन अभी किसी भी तरफ से कोई पेरेंट्स लोगों को अभी तक के सपोर्ट नहीं मिला है। एजुकेशन सेक्टर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, जहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता बहुत है। बच्चों की जब बात आती है तो बच्चों के लिए पेरेंट्स का जो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, उनकी सिक्योरिटी को लेकर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे साथ शिक्षिका, आप तो शिक्षिका हैं, एक स्कूल में मैं ये नहीं कहूँगी कि स्कूल प्रशासन बहुत ज़्यादा लापरवाह है इस चीज़ को लेकर, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी अपने बच्चों की सिक्योरिटी बहुत मायने रखती है। स्कूल टीचर्स हो या फिर वहाँ के मेड्स हो, वहाँ के सब कुछ ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन एज इन एक शिक्षिका भी और एक मदर के तौर पर मैं आपसे पूछूं, तो क्या बच्चों को इस टाइम पर स्कूल भेजना एक बहुत बड़ा डर नहीं है मन में? बिल्कुल, क्योंकि मैं हाई स्कूल टीचर हूँ, तो मेरे साथ जो बच्चे हैं वो 8वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चे हैं, तो उनमें भी इतना अवेयरनेस नहीं है। मैंने देखा जाए तो उन्होंने नहीं, क्योंकि हम बार बार उनको बताते हैं, एक बेंच पर हम ज़्यादातर 2 बच्चे स्टूडेंट बिठा रहे हैं, लेकिन जैसे हमारा पीरियड ख़त्म होता है और हम दूसरे पीरियड के टीचर्स आ जाते, उतने में वो एक साथ 2-3-4 एक साथ हो जाते, तो उनको बार बार कितना भी बोलो, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो तो करेंगे। तो उस हिसाब से अगर छोटे जो बच्चे हैं, जो आजकल जो 1 से लेकर 8वीं तक की जो स्कूलें शुरू होगी, उन बच्चों को संभालना बहुत ही ज़्यादा यानी तकलीफदेही है टीचरों के लिए, क्योंकि वो बच्चे इतने नादान हैं कि उनको पूरी तरह से मास्क पहनना और ये वो नहीं जानते इतने देर तक, और इसीलिए माँ बाप को तो बड़ा टेंशन है कि बच्चों को सच में स्कूल में भेजा जाए या नहीं, क्योंकि वैक्सीनेशन भी उनके लिए अभी तक नहीं आए हैं। अभी जो भी वैक्सीनेशन है वो अभी 15 से लेकर 18 उम्र के बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए नहीं। तो मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट ने इस पर सोचना चाहिए। इतने 2 साल हमने ऑनलाइन किया है, शिक्षा दी है, तो अभी ये सेशन भी अगर ऑनलाइन निकाल देते हैं तो आगे सेशन के बारे में फिर सोच सकते हैं। कहीं ना कहीं हम जब घर पे होते हैं तो हम बच्चों को कंट्रोल उस तरह से कर सकते हैं, हम बच्चों को मास्क पहनना कह सकते हैं, उन्हें सैनिटाइज करना, बार बार हाथ धुलवाना, लेकिन जब बच्चे स्कूल में, और वो भी इतने लंबे समय बाद जब स्कूल जाएंगे, तो वो ऐसा लगेगा एक फ्री बर्ड जब हो जाता है वहाँ पर, दोस्त उनको दोस्त मिल गए वहाँ खेलने के लिए, और घर में बच्चे 1 या 2 रहेंगे ना, 2 पेरेंट्स उतना बार बार उन्हें देख सकते हैं, लेकिन स्कूल में जब 25-50 तक बच्चे हैं तो एक टीचर को इतना संभालना बहुत ज़्यादा कठिन है, और वह सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि इतने सालों बाद जो स्कूल में आए हैं तो उनका तो सबसे मेन मोटो खेलना है, दोस्तों के साथ मिलना है, सब करना है, टिफिन खाना है, सब कुछ है, कितना भी आप बताएंगे वो नहीं मानते हैं। तो उसके लिए तो एक क्लास में मुझे लगता है 3-3, 4-4 टीचर पूरी समय तक वह बिठा के रखना ही पड़ेगा, और ये स्कूलों के लिए संभव नहीं है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं देश में से कई राज्य हैं जहाँ स्कूल खुले तो थे, लेकिन अब जो तीसरी लहर आने की पूरी आशंका है उसके चलते अब स्कूल बंद कर दिए गए? आज ही पेपर में आया है और खबर आई है कि बंगाल के स्कूल्स को बंद कर दिया गया, लेकिन इस टाइम हमारा महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है वो उसको क्या हो गया? ऐसे मोमेंट पे जहाँ स्कूल बंद होने चाहिए थे, जो बड़े बच्चों को बुलाया जा रहा था, मुझे लगता उनके स्कूल्स भी बंद होने चाहिए, अब छोटे बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है, आपको क्या लगता है?
हाँ मैम, ये मैं पहले भी काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स पे कह चुका हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पॉलिटिकल एजेंडा क्या है ये अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। अनफॉर्चुनेटली वर्षा गायकवाड़ जी के पास में निर्णय लेने की क्षमता है लेकिन उनके पास में अधिकार नहीं है। प्लीज़ मेरे वर्ड्स मार्क कीजिए, उनके पास क्षमता है लेकिन उनके पास में अधिकार नहीं है। ये हमको पिछले 2 साल में दिखा है कि जब जो सही तरीके से निर्णय लेना चाहिए था उन्होंने निर्णय लिया लेकिन उनके ही पार्टी के लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया या दूसरी जो अलाइन पार्टी है उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है। मैं गवर्नमेंट से फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि स्कूल्स और आपका पॉलिटिकल एजेंडा या पैसे फाइनेंस जो भी होगा वो प्लीज़ आप बाजू रखिए। दैट कैनॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ आवर चिल्ड्रंस लाइफ। आपका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है वो आप अपने पास रखिए लेकिन हमारे बच्चों की जिंदगियां दांव पर लगाकर हम सरकार को ये उल्टा सीधा काम करने नहीं देंगे। जैसा अभी अजय सर ने भी कहा कि दिल्ली में सारी स्कूल्स बंद कर दिए, अगर दिल्ली हमारे देश का कैपिटल है, अगर वहाँ पे ये रूल है तो फिर बाकी स्टेट्स में भी ये फॉलो होना चाहिए। जबकि महाराष्ट्र वन ऑफ द टॉप 3 में आ रहा है कि जहाँ पे केसेस मल्टीफोल्ड्स में बढ़ रही है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बम्बई में कम से कम 15 से 20 हज़ार केसेस है, इवन नागपुर में आज 107 का आंकड़ा है। तो ऐसा होने के बावजूद भी अगर बच्चों को स्कूल में बुलाया जा रहा है तो ज़रूर इसमें सरकार की और स्कूल वालों की कोई ना कोई साथगांठ है। फीस के लिए भी अभी ये साल फिर से वो बोलेंगे कि अगर फीस नहीं देते हैं तो बच्चों को एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। ऑनलाइन शिक्षा जैसे मैडम ने कहा 2 साल से चल रही है, ठीक है उसके अपने डिसएडवांटेजेस है लेकिन उसमें बच्चों की जिंदगियों को खतरा नहीं है। बच्चे अगर स्कूल में जाते हैं तो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं फिर से दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ स्कूल में बच्चों को बुलाने के लिए कंपल्शन ना किया जाए। पेरेंट लोगों से कंसेंट फॉर्म ले, जिनको भेजना है वो भेजें लेकिन जिनको नहीं भेजना है वो अपने घर से पढ़ा सकते हैं और ऑनलाइन की सुविधा उनके लिए उपलब्ध रखे। ये मैं फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। जैसे कि अमित सर ने कंसेंट फॉर्म की बात निकाली, मैं भी उसी मुद्दे पर आ रही थी कि कई जो स्कूल्स हैं वो सारी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए बच्चों को बुलाना चाह रहे हैं जिसमें कंसेंट फॉर्म भी है। कंसेंट फॉर्म भेजा जा रहा है पेरेंट्स को कि आप ये कंसेंट फॉर्म को फिल करके भेजिए कि क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं या नहीं। तो इस कंसेंट फॉर्म के पीछे आपको क्या लगता है? मैडम, कंसेंट फॉर्म जो है वो स्कूल वाले पेरेंट्स से लिख करके ले रहे हैं कि हम अपने बच्चों को आपके स्कूल में भेज रहे हैं और अनुमति देते हैं कि आप उनकी केयर करेंगे, मगर उसमें लायबिलिटी फिक्स नहीं हुई है ना। उसमें कम से कम लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो बच्चे को अगर कुछ इन्फेक्शन होता है एट द प्रीमाइसेस तो वो जिम्मेदारी स्कूल की होनी चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं हो रहा है। अभी हाल ही में मैंने देखा है कि नागपुर के वन ऑफ द रिप्यूटेड स्कूल में मेरे फ्रेंड के फादर गए, यानी मेरे फ्रेंड ही गए थे, उसका बच्चा वहाँ पे पढ़ रही है, तो प्रिंसिपल से उन्होंने बात की कि मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूंगा स्कूल में क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि स्कूल में आने के बाद वो इन्फेक्शन घर तक लेके आएगा या नहीं, क्योंकि हज़ारों बच्चे रहते हैं स्कूल में और आप कितना उसको यानी फॉलोअप करते हैं या प्रिकॉशन लेते हैं बच्चों की, इस पर हमको विश्वास नहीं है करके वो बात करने गए थे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने बोला कि नहीं, हम तो सारी चीज़ें करते हैं, आप यू बी रेस्ट अश्योर्ड, कम से कम हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होगा, हम हर चीज़ करते हैं, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं और हम इंडिविजुअली सारे बच्चों की केयर करते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो स्कूल में उसके 2 दिन बाद कोविड पॉजिटिव पेशेंट मिला और 10 दिन के लिए स्कूल बंद करनी पड़ी। तो इसका मतलब ये है कि स्कूल वाले बोलते तो है मगर होता कुछ नहीं है। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। अपने नागपुर में भी हमने देखा है कि 2 स्कूलें बंद हुई हैं, अब बच्चों तक वो वायरस गया हुआ है और बच्चों तक गया तो एक स्कूल में हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, एक को अगर इन्फेक्ट हुआ तो दूसरा तीसरा और ये चेन बढ़ते जाएगी। तो बेटर वे ये है कि स्कूलों में ऑनलाइन एजुकेशन जैसा पहले चल रहा था वैसा ऑनलाइन एजुकेशन ही अगर कंटिन्यू करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि जान ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई तो हम जैसे तैसे करवा लेंगे मगर अगर कोई किसी बच्चे का लॉस ऑफ लाइफ होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? स्कूल होगी, प्रशासन होगा, कौन होगा? तुम्हारे जो भी तुम्हारे गाइडलाइंस निकलते हैं उसके वजह से हम लोगों को ज़बरदस्ती भेजना पड़ता है। भले ही आप बोल रहे हैं कि वो वॉलंटरी है, आप भेजना चाहे तो भेजो नहीं तो मत भेजो, मगर अल्टीमेटली प्रेशर पेरेंट पे आता ही है ना कि सारे बाकी के इसके क्लास के बच्चे जा रहे हैं, मेरा ही बच्चा नहीं जा रहा, पीछे पड़ जाएगा, ये नेचुरली वो प्रेशर आता है। तो जो ना चाहते वो भी कुछ पेरेंट्स भेज रहे हैं मगर वो तो आपके रिस्क पे, यानी
यानी क्या कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन अभी कुछ दिनों तक जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे तो फिर से चालू कर देना चाहिए, स्कूलों को तो भी कम से कम बंद करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं भी फिर से यानी ये कंसेंट फॉर्म और अकाउंटेबिलिटी की बात की अजय सर, तो उस पर मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि वो कंसेंट फॉर्म अभी अनफॉर्चुनेटली मेरे पास में उसका फॉर्मेट है नहीं, अदरवाइज मैंने दिखा रहा था उसमें क्लियर कट स्कूल वाले लिखते हैं कि हम बच्चों को जो भेज रहे हैं वो पेरेंट अपनी खुद की जिम्मेदारी पे भेज रहे हैं, इसमें स्कूल वालों का कोई ये नहीं है और आप पे कोई दबाव नहीं है। अब एक तरफ स्कूल वाले कंसेंट फॉर्म में ये लिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा होता कि जो बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे तो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने बंद कर दिए, जबकि गवर्नमेंट ने क्लियर कट कहा है कि अगर पेरेंट कंसेंट फॉर्म पे साइन नहीं कर रहे या परमिशन नहीं दे रहे हैं तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके का एजुकेशन चालू रहना ज़रूरी है, लेकिन स्कूल्स ऐसा नहीं कर रहे। कुछ स्कूल्स हैं जो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जो ये दोनों करने के लिए रेडी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है, इसको गवर्नमेंट को एजुकेशन डिपार्टमेंट, अब उनसे एजुकेशन डिपार्टमेंट से ज़्यादा कुछ अपेक्षा तो कर सकते नहीं, क्योंकि पिछले दो साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में वर्षा गायकवाड़ जी क्या निर्णय लेती है स्कूलों के लिए, और पेरेंट्स को एटलीस्ट फीस में तो अभी तक एक पैसे का भी वो राहत नहीं दे सकी, लेकिन एटलीस्ट ये मामले में वो क्या राहत दे सकती है पेरेंट्स लोगों को, ये देखना बाकी है। अगर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली पेरेंट लोग जैसा अजय भाई ने कहा कि प्रेशर में आके बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। और दूसरी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन 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 इनका ऐसा कहना था कि रूरल एरियाज़ में काफ़ी सारे बच्चे स्कूल है जिनका नुकसान हो रहा है जहाँ पर ऑनलाइन की सुविधा नहीं है। तो जो स्कूल्स है यानी अपने पास में इतनी सारी बड़ी मशीनरी है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की, तो मुझे ये नहीं पता चल रहा, ये नहीं समझ पा रहा कि जहाँ पे कनेक्टिविटी यानी हर एक के पास में मोबाइल है, हर एक के पास में मोबाइल पे इंटरनेट की कनेक्शन है, लेकिन स्कूलों में इंटरनेट की कनेक्शन क्यों नहीं पहुँची है, यानी एक लैपटॉप दो लैपटॉप दो कंप्यूटर पे ऑनलाइन की एग्ज़ाम हम बैच वाइज हम क्यों नहीं ले सकते हैं। यानी इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल लेवल पे इतनी सारी ऑनलाइन एग्जाम्स होती है, टेक्नोलॉजी आज की तारीख में इतनी आगे बढ़ गई है, तो वाई कांट दिस बी प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन अ प्रॉपर वे इन फेज वाइज मैनर। यानी पहले फेज में पहली से आठवीं तो बच्चों को वैसे ही पास करना है, यानी एग्जाम दे या ना दे बच्चों को वैसे ही पास करना है। बात रहती है एट नाइन्थ और टेंथ की, तो इनकी फेज वाइज यानी अगर आप परसेंटेज वाइज निकलेंगे तो ऐसे कितने परसेंटेज बच्चे हैं रूरल एरिया और सिटी में की जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे पाते हैं। तो रूरल के लिए भी ये लोग काफ़ी अच्छा प्लान बना सकते हैं, मोबाइल है तो इंटरनेट का कनेक्शन है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके स्कूल वालों के साथ में अरेंजमेंट करके गवर्नमेंट और प्राइवेट मशीनरी काफ़ी सारे वर्क यानी सोशल वर्कर्स भी ऐसे काफ़ी सारे पेरेंट्स भी ऐसे कि जो इस सोशल वर्क में काम करने के लिए रेडी है विदाउट चार्जिंग एनीथिंग अपने जेब से पैसे देके। यानी हमने कई बार ऐसा किया है कि भैया किसी के पास में रिचार्ज करने के लिए अगर पैसे नहीं थे तो 150-200 रुपए का रिचार्ज हमने उन पेरेंट लोगों को उन बच्चों के लिए करवा के दिया है। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि दोज हु विल बी विलिंग टू ज्वाइन दिस सोशल कॉज अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ प्लान करती है तो वाई इट कैंट बी डन, दिस इज एन अनआंसर्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट फॉर लास्ट वन ईयर। तो वर्षा गायकवाड़ जी चैनल के थ्रू आपसे फिर से एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि पैसे के लिए तो आपने पेरेंट लोगों को कोई राहत नहीं दी है, स्कूल पे आपका कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन एटलीस्ट बच्चों की जान की परवाह कीजिए, उनकी जान पे मत खेलिए, हमारे बच्चे हैं आपके नहीं हैं, आप भी एक मदर है तो वो हिसाब से सोचिए कि हमारे बच्चे इकलौते बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, कोई बाजार में मिलने वाली चीज़ नहीं है कि अगर कुछ हो गया तो जाओ और दूसरा नया खरीद के लेके आओ। तो वी कांट टेक दिस रिस्क, वी कांट टेक दिस चांसेस, सो प्लीज़ मेक श्योर कि स्कूल्स में कुछ ना कुछ पाबंदी लगे, या फिर अभी एक डेढ़ महीना बचा है सिर्फ ये एजुकेशन सेशन खत्म होने के लिए, तो ये भी ऑनलाइन कर लीजिए, अगले साल देखेंगे कि क्या करना है बच्चों का, ऑफलाइन स्कूल करना है या ऑनलाइन स्कूल करना है करके। थैंक यू। कमिंग टू दिस पॉइंट एंड दिस इज अ थिंग टू वंडर कि हाउ कैन समवन बी सो अश्योर ऑफ द ट्रांसमिशन। इतने हमने भी इतने सारी चीज़ें ली, हम भी कोविड से गुजर चुके हैं, हमने भी सारे फॉलो किए, प्रोटोकॉल्स फॉलो किए, सारी जो नियमों का है वो पालन किया, उसके बाद भी कोविड हमसे होकर गुजरा, तो हाउ कैन समवन बी सो अश्योर। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे कितने भी अपने प्रोटोकॉल्स फॉलो कर ले ये बड़ी दिक्कत है। और मैं आपसे ये खासकर पूछना चाहूँगी कि इतने सारे प्रोटोकॉल्स, इतनी सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, और अभी जैसे कि अमित सर ने एकदम सही कहा कि अब हार्डली 1.5 से 2 महीना बचा हुआ है, इस मोमेंट पर क्या स्कूल बुलाना, इतनी सरकार आमदा क्यों हो चुकी है? ये तो जैसे कि अमित भाई ने बोला था कि इसके पीछे कुछ राज भी हो सकता है, वो राज तो बोल ही दिया उन्होंने, क्या हो सकता है इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि कैसा है कि इतने शॉर्ट पीरियड के लिए स्कूल खोलना, ये कौन सी समझदारी है, ये मेरे समझ के तो भी परे है। मगर अभी क्योंकि हालात ऐसे है कि सब तरफ लॉकडाउन लग रहा है, थ्रेट्स ज़्यादा हो रहे हैं ये कॉन्टेमिनेशन के, इन्फेक्शन के, तो ऐसे हालात में
जल्दी से जल्दी निर्णय लेना ये ज़रूरी है, खास करके कम से कम स्कूलों के बारे में और कॉलेजेस के बारे में। बाकी लॉकडाउन भले ही ना लगे या जो टोटल लॉकडाउन जो होता है वो भले ही ना लगे, मगर स्कूल के बारे में कुछ तो अच्छा निर्णय लिया तो कम से कम जो परसेंटेज ऑफ ये जो रेट ऑफ ग्रोथ है यानी रेट ऑफ इन्फेक्शन है वो कम से कम कहीं ना कहीं अपन अरेस्ट कर सकेंगे ऐसा मुझे लगता है। तो ये तो पहला काम तो यही करना चाहिए कि स्कूलों में जो बच्चे जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जाते हैं बहुत संख्या में जाते हैं वो कहीं ना कहीं अगर रुके तो हो सकता है कि हम हो सकता है कि इसका रेट कम भी कर पाएँ ऐसा मुझे लगता है। मैम से मैं ये खास कर पूछना चाहूँगी क्योंकि जैसे कि सभी कह रहे हैं, पेरेंट्स एसोसिएशन कह रहा है और खासकर आप भी जो घर पर बैठे हैं अभिभावक वो भी यही सोच रहे होंगे कि इतने लंबे समय तक बच्चे ऑनलाइन पढ़ते रहे उनका एक स्टडिंग पैटर्न जो है वो बहुत बदल जा गया है। ऑनलाइन में जो छोटे बच्चों की खासकर अगर मैं बात करूं तो MCQ का एक पैटर्न आ गया है, जो छोटे बच्चे जो बेसिक स्कूल जाके सीखते थे उनका बेसिक लर्निंग पैटर्न बहुत चेंज हो गया है। अब अगर इस लेवल पे इस लास्ट इवैल्यूएशंस में अगर स्कूल उन्हें बुलाता है तो एग्ज़ाम देने में पढ़ने में एग्ज़ाम आगे करने में कितनी दिक्कतें हो सकती हैं अगर हम छोटे बच्चों, क्योंकि बड़े बच्चे तो कितना भी कर लो थोड़ा बहुत वो जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, लेकिन हम बच्चों की बात करें उनका लर्निंग पैटर्न उनका एग्ज़ाम देने का पैटर्न बहुत बदल चुका है और इस मोमेंट पे उन्हें स्कूल बुलाना पेरेंट्स को तो बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। हाँ, पेरेंट्स को तो बहुत दिक्कतें होने वाली है, लेकिन ये जो MCQ जो पैटर्न है वही हम ऑनलाइन में अगर लेते हैं तो वही एक सहारा है, क्योंकि बाकी तो डिस्क्रिप्टिव जो है ऑनलाइन तो हो ही नहीं सकता है। और मैंने अब तक जो देखा है तो इससे तो पेरेंट्स को ऑनलाइन में भी जितने अभी शुरू थे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को ही करके देना पड़ा है, क्योंकि मैंने ये अनुभव मुझे नहीं है छोटे बच्चों का, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने पूछा तो वहाँ मुझे यही जवाब मिला कि बाजू में बच्चों के बाजू में पेरेंट्स को बैठना ही पड़ता है, क्योंकि जो भी है बच्चे नहीं इतना ग्रैप्स कर रहे हैं कि क्या है, तो वो पेरेंट्स को ही सारा पता करके फिर उनसे घर में वो करवा लेना है। तो वही पैटर्न से ये साल निकाल लिया तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो स्कूल में भी आए तो भी बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ होने ही वाली है इन सारे एग्जामिनेशंस वगैरह लेने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 8वीं तक तो एग्ज़ाम्स है ही नहीं, है ना, तो इंटरनल मार्क्स जो है उस पर ही है, तो 9वीं और 10वीं का दोनों का ही है, तो वो जो डिस्क्रिप्टिव होने की वजह से आप जो बोल रहे थे गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट पर भी थोड़ा सा प्रेशर रहता है शायद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल के बाद जब बच्चे आते हैं और 10वीं की जो एग्ज़ाम होती है वो कैसे होती है, पूरे महाराष्ट्र में एक ही पेपर निकलते हैं, अलग अलग हम नहीं कर सकते और एक साथ एक ही दिन में लेना पड़ता है, और उनको MCQ पैटर्न में क्वेश्चन पेपर निकालना बहुत ज़्यादा उनके लिए कठिन है फिलहाल, और यही वजह शायद कि 10वीं का जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कर पा रहे हैं गवर्नमेंट। छोटे बच्चों के लिए ये आसान हो जाता है मेरे ख्याल से। नहीं, अभी यानी बीइंग अ टीचर मैम ने उनका व्यू पॉइंट बोला, लेकिन जो काफ़ी सारी प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स या प्राइवेट एग्ज़ाम्स होती है या यानी प्रोफेशनल कोर्सेज की जो होती है कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स जो होती है उसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि बैचेस में, जैसे मैंने पहले कहा कि ऑब्वियसली मेरे से बहुत ज़्यादा होशियार लिखे पढ़े एक्सपीरियंस लोग वहाँ पे ऊपर बैठे हैं, दे कैन थिंक ऑफ अ बेटर ऑप्शन, बट बीइंग अ लेमैन ये मेरा व्यू पॉइंट है कि फेज़ वाइज एरिया वाइज वो प्लान कर सकते हैं कि रूरल अर्बन ऐसा करके कि 1000 बच्चे 2000 बच्चे जितनी फैसिलिटी है वहाँ पर वो हिसाब से, ये नेसेसरी नहीं है कि पूरे महाराष्ट्र यानी कंसिडरिंग दिस स्पेशल सिचुएशन पैंडेमिक सिचुएशन नेसेसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि सारों की सारी एग्ज़ाम एक टाइम पे ली जाए, क्वेश्चन पेपर्स अलग अलग हर साल के सेट होते हैं, तो व्हाई नॉट एरिया वाइज क्वेश्चन पेपर्स आप सेट करेंगे, पहले फेज़ में ये क्वेश्चन पेपर, सेकेंड फेज़ में ये क्वेश्चन पेपर, इफ़ दे थिंक दैट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल, यानी जैसा हम बोलते हैं कि अगर करने की चाहत होगी तो रास्ता आराम से निकलता है, बट जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये पॉलिटिकल विल पावर नहीं है, वर्षा गायकवाड़ जी के पास में क्षमता है लेकिन अधिकार नहीं है, ये बहुत ही यानी दुर्दैवपूर्ण बात है, तो ऐसा अगर कुछ सोचे अगर कुछ करे
यानी प्रोफेशनल वे से अगर अप्रोच ले तो 110% ये काम एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, यानी मार्च अप्रैल के बजाय एग्जाम्स मई जून तक की खींचेगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर ये चाहे तो ये 100% ये इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, सोशल एजेंसीज ऐसी है, इवन आई विल से गवर्नमेंट कॉरपोरेट हाउसेज को इसमें इन्वॉल्व कर सकती है कि आईटी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए उनके सीएसआर फंड्स होते हैं, उसमें से आप रूरल एरियाज में उनके लोग अपॉइंट करके, उनकी अपनी सीएसआर टीम्स होती है, उनको अपॉइंट करके आप एक लैपटॉप, दो लैपटॉप, तीन लैपटॉप, चार, क्या जो भी है वैसा प्रोवाइड करके वहाँ पर आप एग्जाम्स लीजिए। गांव गांव में आज की तारीख में मोबाइल पहुँचा है, टेलीफोन बहुत ख़त्म हो गए, तो जहाँ पर मोबाइल की रेंज है तो इंटरनेट तो आराम से आ सकता है, दैट कैन बी प्रैक्टिकली डन। उसके बाद में जो बैकवर्ड क्लासेस है रूरल की, जिनके पास में पैसे हम नहीं बोल रहे, तो ठीक है, उनको 100-150 रुपये का 200 रुपये का वो आप रिचार्ज दे दो किसी ना किसी माध्यम से, या किसी सोशल एजेंसीज को बोलिए, तो वहाँ पे वो लोग बिल्कुल हो सकता है अगर प्लान फेज वाइज अगर करेंगे तो। दिस इज आई बिलीव, आई मीन गवर्नमेंट हैज़ द कैपेसिटी बट लैक ऑफ विलिंगनेस इज 100% देयर, दैट इज बीन सीन फॉर लास्ट 2 to 2.5 years। तो ये कर सकते हैं अगर चाहे तो, रेस्ट इज अप टू देम। सच तो यही है कि एक साइड खाई है तो एक साइड कुआं। अभिभावकों का दर्द बहुत ही एकदम से कह सकते हैं कि आप तक पहुंचने लायक है, और इनकी आवाज़ नहीं, ये आवाज़ देश दुनिया में बैठे हर एक अभिभावक की है, जिन पर अब एक बहुत बड़ा प्रेशर है बच्चों को स्कूल भेजने का, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल पर भी गवर्नमेंट का प्रेशर है कि अब स्कूल खोल दिए जाएं, लेकिन तीसरी वेव की जो आशंका है वो पूरी पूरी नज़र आ रही है। कोविड के केसेस जो हैं अब धीरे धीरे करके सिंगल डिजिट से डबल डिजिट, और डबल डिजिट से अब ट्रिपल डिजिट आ चुके हैं। देश दुनिया में अब थर्ड वेव की पूरी पूरी आशंका है, और ये ओमाइक्रॉन का जो वेरिएंट है, जैसे कि आप सब जानते हैं, बहुत जल्द ट्रांसमिट होता है, इसका ट्रांसमिशन बहुत जल्दी होता है, और ख़ासकर जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये किस तरह ट्रांसमिट होगा, और अगर बच्चे इससे अफेक्ट होते हैं तो आगे क्या होगा इसकी कल्पना करना भी शायद बहुत मुश्किल है। सेकेंड वेव का दर्द हम देख चुके हैं, सेकेंड वेव की हम जो सीरियसनेस है वो देख चुके हैं, हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि थर्ड वेव सेकेंड वेव से भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो। तो अगर इस पर हमें काबू पाना है तो यहाँ पर प्रशासन को और सरकार को सीरियस होकर सोचने की बहुत ज़रूरत है। 2 महीने का वक्त बचा है, अगर 2 महीने भी इसी तरह ऑनलाइन निकाल दिए जाएं तो शायद आगे ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं। और सबसे ख़ास मुझे जो दर्शक सुन रहे हैं उनसे मैं विनती करना चाहूँगी, जिस तरह से मैं आसपास देख रही हूँ, लोगों को देख रही हूँ, जो लापरवाही आप कर रहे हैं वो लापरवाही इस थर्ड वेव को एक खुला इनविटेशन दे रही है। मार्केट के हाल देख लीजिए, सारी चीज़ों के हाल देख लीजिए, आप ना मास्क पहन रहे हैं ना आप सैनिटाइज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियाँ ऑलरेडी आप उड़ा चुके हैं। तो आप प्लीज़ इन सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए, आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलेंगे किसी और मुद्दे पर बात करने के लिए, तब तक ले दीजिएगा नमस्कार।